ये नाइट को खुलेगा जब मेरे पति देव सो जाएंगे ना, बच्चे भी सो जाएंगे, उस वक्त फिर मैं लगाती हूँ और सो जाती हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मैं आज वीडियो आपके लिए बनाने लगी हूँ। मैंने अपने फेस के लिए एक प्रोडक्ट चूज़ किया है जो कि है गोल्डन पर्ल की, और ये है फ्लॉलेस स्किन ब्यूटी पैक। तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये कैप्सूल बताती हूँ जो है कि मिलता है 5-6 रुपये का एक पीस। ठीक है, तो ये कैप्सूल है, वाइटनिंग कैप्सूल है। इसको आप किसी भी क्रीम में मिक्स करके यूज़ करें, आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने ये एक पूरी डब्बी थी जो कि ख़त्म की है अपने, मतलब पूरी तो नहीं थी, एक इतनी थी, हाफ़ थी। तो ठीक है, हाफ़ मैंने ये अपने फेस पे यूज़ किया और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और कोई मुझे कोई मतलब इश्यू नहीं हुआ इसके साथ। तो मैं इसलिए आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको यूज़ करें। ये तकरीबन 5 रुपये का आपको एक कैप्सूल पड़ेगा। तो आप अगर इसे 10-15 ले लें, आप इसे किसी क्रीम में यूज़ करें, चाहे डायरेक्टली इसको ना यूज़ करें, मैं तो बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूँगी डायरेक्टली किसी क्रीम के साथ इसको यूज़ करें, तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेस्ट आएगा। उसके बाद जी हम अपने जो है मेन प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो मेन प्रोडक्ट में है हमारे फ्लॉलेस स्किन ब्यूटी पैक में फ्लॉलेस स्किन फेस वॉश सिरम एंड क्रीम। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं ओपन और हम आपको इसका देते हैं रिव्यू। और यूज़ की हुई है खुद क्रीम, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 10 डेज़ हो गए हैं मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ओके, ये जस्ट मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसे यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट, तो मैंने कहा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जी फ्रेंड, तो हमने अपना ये पैक खोल लिया, ये देखें मेरा ढक्कन भी जो है फेस वॉश का खुला हुआ है क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ 10 डेज़ से। तो ये है भाई इसका फेस वॉश, फ्लॉलेस स्किन फेस वॉश। तो इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। अगर मुझे इस पैक में कुछ अच्छी चीज़ लगी है सबसे ज़्यादा, मतलब मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, अपने दिल की बात, तो मुझे इसका फेस वॉश बहुत अच्छा लगा है कि बिल्कुल थोड़े से आप इसे लेंगे ना तो आपके फेस को और हैंड को इतना स्मूथ कर देते हैं और इतना मतलब इसको अच्छा इसका रिज़ल्ट मुझे लगा है ना कि मतलब मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हूँ। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसके साथ आप अपना फेस धो लेंगे। ये है डे नाइट क्रीम, बट मैं इसे सिर्फ नाइट में यूज़ करती हूँ क्योंकि नाइट में मुझे कोई काम नहीं करना होता, चूल्हे के पास नहीं जाना होता, तो इसलिए मैं सिर्फ इसे नाइट में यूज़ करती हूँ। दिन में पता है आपको धूप होती है, इधर उधर चूल्हे के पास जाना होता है, लेडीज़ को और 100 काम होते हैं, इसलिए मैं तो फिर नहीं लगाती। बाकी ये इसके साथ आप फेस अपना धो लेंगे। उसके बाद जो है उसका सिरम है, इस सिरम को आप अपने जो है डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अच्छाइयों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपको मतलब पिंपल्स वगैरह हैं कुछ भी है तो ये आपके ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह, रिमूव कर देगा। ये कैसे आपने यूज़ करना है कि इसके जो तरीक़ाकार, तो ये है कि अगर आप इसे स्किन धो के आएँ अपने जो फेस वॉश से, ठीक है, उसे ड्राई कर लें, उसके बाद इसको लगाएँ और फिर इसको भी ड्राई करके बाद में ये हमने क्रीम यूज़ करनी है। बट मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं इसको सिर्फ जो है डार्क सर्कल्स पर यूज़ करती हूँ, पूरे फेस पर यूज़ नहीं करती क्योंकि ये छोटू सा है। तो अगर एक और भी आपको जो है बताती हूँ कि इसका तजुर्बा क्या आप कर सकते हैं इसके साथ, तजुर्बे तो हम लेडीज़ वैसे भी हर चीज़ के साथ ही करती हैं, बट ये जो है ना इस सिरम को आप इस क्रीम में फुल मिक्स करके, ठीक है, फुल इसको मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी इंशाल्लाह इसका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मगर मैं इसे सिर्फ जो है अपने हल्कों पर यूज़ करती हूँ जो डार्क सर्कल्स हैं, ठीक है, आइज़ के साइडों पर, उसके बाद इसे ड्राई करके मैं क्रीम यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया हमारा छोटू सा सिरम। अब इसके बाद जो है मेन प्रोडक्ट इसकी वो है क्रीम, इसकी डे नाइट क्रीम है, बट मैंने आपको बताया कि मैं इसको सिर्फ नाइट में यूज़ करती हूँ। तो ये जो क्रीम है अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की दिखती है। जी फ्रेंड, तो देख सकते हैं आप, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ भी कर लिया है और इसका रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। मैंने कभी इतनी ख़ास क्रीम्स वगैरह यूज़ नहीं की, ठीक है, कोई नॉर्मल सी, कभी कोई शादी वगैरह का फंक्शन हो इस तरह का हो तो फिर हम थोड़े से कहते हैं भी चिट्टे जो हो जाए थोड़े से इसलिए फिर कभी कभार क्रीमों को भी दिल करता है। मगर अभी जैसे आपको पता है सर्दियाँ चल रही हैं तो उस लिहाज से तो क्रीमों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हाथ पाँव जो हैं, फेस हो गया, ये ज़्यादा जो है ना मुतासर होते हैं ठंड की वजह से। तो ये जो है माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी बेस्ट है, ये देखें आप, ये देखें आप, मतलब ये बिल्कुल आपको ऑयली भी फेस फील नहीं होगी जब आप इसको लगाएंगे, ना ये ड्राई और ना ऑयली है, दोनों स्किन के लिए बेस्ट है, मगर ड्राई के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, मतलब ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ मैं कैसे यूज़ करती हूँ इसको। पहले जाके फेस वॉश से अपना मुँह धो लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं सिरम लगाती हूँ, सिरम के बाद मैं क्रीम लगाती हूँ, क्रीम के ऊपर फिर थोड़ा सा हाथ के ऊपर जो है ना ये वाइटनिंग कैप्सूल लगा के फिर मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो ये क्रीम है जी, इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा लगेगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रोडक्ट का आप रिव्यू लेना चाहते हैं तो जो है ना मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि आपको किसी क्रीम का रिव्यू चाहिए।
तो ये हम अपना पैक कर देते हैं बंद, ये नाइट को खुलेगा जब मेरे पति देव सो जाएंगे ना, बच्चे भी सो जाएंगे, उस वक्त फिर मैं लगाती हूँ और सो जाती हूँ। ठीक है, मैं वीडियो हाथ में लेके बना रही हूँ इसलिए मैं आपको दोनों हाथों के साथ यूज़ नहीं करके मतलब रिव्यू नहीं दे सकी, क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड था वो मेरे बच्चों ने तोड़ दिया है। तो मैं दोबारा से फिर अपने हाथ पे आ गई हूँ, फिर हाथ में मोबाइल उठा के वीडियो बनाना। बाकी आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, तो ज़रूर मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आखिरी बात, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।